सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जायसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के 40 एमबीपीएस वाले प्लान के बारे में, जो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। उसका हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे, डाउनलोड टेस्ट करेंगे और अपना यूजर एक्सपीरियंस भी आपको बताने वाला और अपना कुछ ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स बिगिन। जहाँ पर दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में, जहाँ पे मैंने एयरटेल को फ्रॉड बताया था। एक्चुअली में फ्रॉड हुआ था, मुझे फाइबर कनेक्शन बता के कॉपर वायर दिया गया था, क्योंकि मेरे एरिया में फाइबर अवेलेबल नहीं था और मुझे उसमें भी इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट 40 एमबीपीएस के मुझे प्लान में सिर्फ 10-15 एमबीपीएस तक का स्पीड मिल रहा था, जिसके लिए मैंने एयरटेल पे कंप्लेन भी किया था और एक्चुअल में उसे एज अ फ्रॉडी मुझे बोलना था। तो उस वीडियो को मैं अब जाके डिटेल्स में देख सकते हो, क्या पूरा सीन था, क्या कुछ मुझे देखने को मिला, कैसा पूरा कनेक्शन है, कैसा वाईफाई राउटर मुझे मिला है, वो सारे बातें मैंने उस वीडियो पे किया। और ये मैं आपको एक चीज़ वापस क्लियर कर देता हूँ कि ये आपका एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जहाँ पे कंप्लेन के बाद में एयरटेल ने इसे चेक किया और जो हमारा मेन एरिया का जो कनेक्शन था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसे फिर रिजॉल्व किया गया और फाइनली अभी थोड़ा बेटर कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, काफ़ी टाइम से मिल रहा है और मैं उस बेटर कनेक्शन को भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज उसके बारे में कुछ बातें करने वाले हम। जहाँ पे अभी भी कॉपर वायर है और मेरे पास 40 एमबीपीएस वाला एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का प्लान है, जिसका प्राइस कुछ 590 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है जीएसटी वगैरह सब लेकर। जहाँ पे पिछले वाले वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था कि कॉपर वायर और फाइबर वायर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो भी मैं पहले क्लियर कर दूँ कि जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स वाला केबल होता है उसमें आपको लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो काफ़ी आपको स्मूथ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसके साथ में जो 40 एमबीपीएस वाला प्लान है, बस आपको वही कॉपर वायर के थ्रू देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉपर वायर उससे ज़्यादा का स्पीड को सपोर्ट नहीं करता है। जो भी 1 Gbps का या 100 Mbps का 500 Mbps का जो भी स्पीड के जो भी और बाकी प्लान्स है, वो सब प्लान आप सिर्फ फाइबर में ही पा सकते हो, कॉपर में आपको उतना स्पीड नहीं मिल सकता है। जहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको फाइबर में कांस्टेंट इंटरनेट स्पीड ऑलमोस्ट मिल जाता है, तो अगर आपको 40 एमबीपीएस मिल रहा है तो इंटरनेट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, आपको एक रेगुलर 40 एमबीपीएस के आसपास का प्लान देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम लोग कॉपर वायर के बारे में बात करें तो इंटरनेट फाइबर को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, आपको मे बी 10 एमबीपीएस तो कभी 20 एमबीपीएस, कभी 30-40, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने वाला इंटरनेट आपको देखने को मिलेगा कॉपर वायर में। तो ये कॉपर का कुछ सारा डिसएडवांटेज है और उसके साथ साथ में आपको कॉपर वायर में उतना अच्छा अपलोड स्पीड नहीं मिलता। वैसे हम लोग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। उससे पहले और एक क्वेश्चन था कुछ लोगों का, क्या हमें जो कनेक्शन मिल रहा है हम पता कैसे करेंगे कि वो फाइबर वायर है या एक कॉपर वायर है। तो जो कॉपर वायर होता है नॉर्मल वायर होता है, जिसमें आपको मल्टीपल पतले पतले स्लब वायर्स देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर का प्लास्टिक को पील करने पे अंदर कॉपर का वायर रहता है, तो वो नॉर्मल वायर होगा जिसे आप हाथ के थ्रू घुमा के उसे फिट कर सकते हो, वैसा नॉर्मल वायर होता है। जहाँ पे अगर हम लोग दूसरी तरफ फाइबर वाले वायर के बारे में बात करें, तो उसे पील करने के बाद उसके प्लास्टिक को अंदर एक फाइबर का ही वायर रहता है ट्रांसपेरेंट सा, जिससे वाईफाई के वायर से जोड़ने के लिए एक मशीन लगता है और लेज़र के थ्रू जुड़ता है, जहाँ कॉपर वायर हाथों से ही जोड़ा जा सकता है। तो अगर आपके घर में एक मशीन लाया जा रहा है जिसके थ्रू आपके वायर को अटैच किया जा रहा है वाईफाई राउटर के साथ में, तो वो फिर आपका ऑप्टिक्स फाइबर वाला वायर है, वरना आपका नॉर्मल कॉपर वायर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी का कहना यही है कि जो आपका 40 एमबीपीएस वाला आपका प्लान है वो आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलने वाला है कॉपर और फाइबर में, बट एक्चुअली में आपको फाइबर में थोड़ा इंप्रूव देखने को मिलेगा, जहाँ पे कॉपर में उतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद आपको देखने को ना मिले। बट ये अगेन एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जहाँ पे अब हम आ जाते हैं स्पीड टेस्ट पे, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक तरफ गूगल का, एक तरफ ओकला और आपको एक fast.com का, तीनों स्पीड टेस्ट एक साथ देखने को मिल जा रहे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि आपको 40 एमबीपीएस के आसपास का स्पीड देखने को मिल जा रहा है डाउनलोड के मामले में तीनों ही स्पीड के वेबसाइट में। और जहाँ पे अगर अपलोड स्पीड के बारे में बात करें तो वो हमें 5 एमबीपीएस भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है अपलोड स्पीड। जैसे मैंने आपको कहा कॉपर वायर में उतना अच्छा स्पीड हमें अपलोड के मामले में देखने को नहीं मिलता है, और वैसे तो ये बेस्ट कंडीशन के आपको स्पीड रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, बट ऑन एन एवरेज मुझे 25-30 एमबीपीएस का ही एवरेज स्पीड देखने को मिलता है, वो भी शायद आपको साइड में दिख रहा होगा जहाँ पे कैसा एवरेज स्पीड मुझे देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आप पहले वाले वीडियो में भी बहुत जन ने मुझे कमेंट करके बताया था कि जो अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड इस वेबसाइट में दिखाई जाती है ये एक्चुअल स्पीड से अलग होता है, तो यार वो चीज़ को मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और आपने उसके बाद नहीं बताया, इसलिए कमेंट किया था। जहाँ पे यार ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में अगेन बता देता हूँ कि जो फाइल हमारे एमबी में हमारे फ़ोन में डाउनलोड होते हैं वो मेगा बाइट्स में होते हैं, और जो अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड जो वेबसाइट में यहाँ पे स्पीड टेस्ट के वेबसाइट में शो किया जाता है वो मेगा बिट्स में होता है,
जहाँ पे इसमें 8 का डिफरेंस होता है, यानी 8 मेगा बिट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट होता है, जहाँ पे जो आपका 1 MB का फोन में फाइल है वो एक्चुअली में 8 मेगा बिट्स का है। तो आपको जो 40 Mbps का स्पीड यहाँ पे बताया जा रहा है, आप उसे 8 से डिवाइड कर दो तो आपको वो एक्चुअल डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगा। जहाँ पे दोस्तों अब अगर हम डाउनलोड के बारे में बात कर ही रहे, तो आपको यहाँ पे साइड में मैं गेम डाउनलोड में लगा देता हूँ 1 GB के आसपास का, नीचे टाइमर भी चल रहा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और जहाँ पे ये जो आपको अभी स्पीड में डाउनलोड होते हुए देखने को मिल रहा है, ये आपको ऑलमोस्ट 40 Mbps का स्पीड टेस्ट रिजल्ट के बाद ही मैंने इसे डाउनलोड में लगाया था, तो ऑलमोस्ट ये बेस्ट कंडीशन में डाउनलोड हो रहा है। और इसमें बीच बीच में गेम में ये पॉज भी ले रहा था, जब फाइल एक्सट्रैक्ट होता है गेम का तो बीच बीच में किसी किसी परसेंटेज में ये डाउनलोड होना रुक जा रहा था, तो उसके भी टाइम्स में कैलकुलेट हो जा रहे हैं। जहाँ पे दोस्तों ये डाउनलोड हो गया और इसे हमें 7 to 8 मिनट्स लग गया कंप्लीट इसे फ़ोन में इंस्टॉल होने में, जहाँ पे अगर हम बीच में जितने बार ये पॉज हुआ अगर उसके टाइम को हटा दे तो ऑलमोस्ट 1 GB के फाइल को डाउनलोड करने में आपको 4 मिनट तो लग जाएंगे, कुछ 4 से 5 मिनट के अंदर आपका 1 GB फाइल डाउनलोड हो सकता है बड़े आराम से इसी एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर सिर्फ नाम का है, एक्चुअली कॉपर वायर वाले कनेक्शन से। जहाँ पे अब अगर हम लोग अपलोड स्पीड के बारे में बात करें, तो मैं YouTube में जो वीडियोस अपलोड करता हूँ 500 से 600 MB के होते हैं, जहाँ पे उसे अपलोड करने के लिए मुझे 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। जहाँ पे अगर आपके GB के फाइल अगर आप 4K वीडियोस वगैरह अपलोड करें 2-3 GB का, तो आपको घंटों का टाइम लग जाने वाला। तो अपलोड स्पीड के मामले में यहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये अगेन बता दूँ एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर मैं अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से जियो या वोडाफोन के फ़ोन डेटा से कनेक्ट करके वीडियो अपलोड करूँ तो इस वाईफाई के अपलोड स्पीड से ज़्यादा बेटर अपलोड स्पीड मुझे देखने को मिलता है, और वीडियो फ़ोन डेटा से ज़्यादा जल्दी अपलोड हो जाता है, तो वाईफाई में मुझे इतना अच्छा अपलोड स्पीड देखने को नहीं मिल रहा, तो वो एक मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। अब अगर मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस ओपिनियन के बारे में बात करूँ, तो अपलोड के मामले में तो अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे अगर आपके एरिया में फाइबर, आप बहुत लकी हो और आपके एरिया में फाइबर अवेलेबल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अपलोड स्पीड भी एक अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपके एरिया में फाइबर अवेलेबल नहीं है, तो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे उठ के आता है, क्योंकि आपको डाउनलोड स्पीड तो अच्छा देखने को मिल जाएगा, जैसे आपने देख लिया स्पीड टेस्ट में 40 Mbps तक चला जाता है बेटर कंडीशन में, और कभी कभार 10 Mbps 15 Mbps देखने को मिलता है, यूजुअली एवरेज 25 to 30 Mbps मिल जाता है। तो डाउनलोड स्पीड के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको डेली फाइल्स अपलोड करना है, अगर आप वीडियो यूट्यूब में अपलोड करना चाहते हो, फेसबुक में, या कुछ भी अपलोड का आपका डेली का काम रहता है, तो मेन आपको प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलने वाला है, और काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है अपलोड के मामले में। तो डाउनलोड वगैरह के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस करना, मीटिंग अटेंड करना, तो उसमें ऐसा कोई भी बफरिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब 4K वीडियोस भी देख रहे हो तो आपको यूजुअली उसमें भी बफरिंग देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके मामले में काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आपके एरिया में फाइबर है तो बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बस आपको कॉपर के मामले में अपलोड स्पीड बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलने वाला है इसी एयरटेल के कनेक्शन में। तो यही सब थी पूरी कहानी इसी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में, जहाँ पे फाइबर बस आपका कनेक्शन का नाम पे है, पर डिपेंड करता है आपके एरिया टू एरिया कि आपको फाइबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी फाइबर के नाम पे आपको कॉपर वायर भी मिल सकता है। तो आप मेक श्योर कर लेना, आप पहले पता कर लेना कि आपके एरिया में फाइबर अवेलेबल है या नहीं है। तो यही सब थी पूरी कहानी इसी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपके थॉट्स इसी कनेक्शन के बारे में। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप नीचे पूछ सकते हो, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना, क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोज आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।